ग्रेवी सोया चाप की बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं कुक टेस्टी कुक स्मार्ट। सोया चाप बनाने के लिए देखिए, ये बाजार में अवेलेबल सोया चाप हम लेंगे। ये बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसको हम इसी तरीके से स्टिक में इस प्रकार से हम ये देखिए कट्स लगा लेंगे सब में। गैस पर हम एक फ्राई पैन रखेंगे जिसमें हम पानी को बॉईल करेंगे और इसमें हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, लौंग, मोटी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, और इसमें हम अपनी कट की हुई सोया चाप को इस तरीके से 3 से 4 मिनट तक के लिए गर्म पानी में छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम चाप को पानी से गर्म पानी से निकाल लेंगे और ठंडी हो जाने के बाद हम स्टिक से चाप को अलग कर लेंगे। देखिए, ठंडी होने के बाद हमें चाप में से स्टिक को इस तरीके से निकाल देना है और इसको हमें पीसीज में कट करना है। छोटे छोटे पीसीज में काटने के बाद इधर देखिए गैस पे मैंने एक फ्राई पैन रखा है। इसको हम अच्छे से गर्म करके थोड़ा सा इसको हम ऑयल से ग्रीस करेंगे। आधा चम्मच के करीब डालेंगे इसमें बटर। वैसे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन हम इसको आज शैलो फ्राई करके बनाएंगे। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें पीसेस की हुई हम सोया चाप डालेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो में रखना है। बॉयल करके इस तरीके से शैलो फ्राई करने से सोया चाप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिए। थोड़ी सी इसमें जाएगी लाल कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। इसको इसमें करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक ताकि चाप के अंदर सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको भी करेंगे हम अच्छे से मिक्स इस तरीके से। बॉयल की हुई सोया चाप को इस तरीके से शैलो फ्राई करके बनाएं। डीप फ्राई करने से बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल फिल हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से 4 से 5 मिनट तक शैलो फ्राई करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करके इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसी फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच के करीब डालेंगे हम सरसों का तेल। तेल को बहुत अच्छे से पक जाने देंगे। गरम जले हुए सरसों के तेल को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच के करीब चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा। इन सबको करेंगे देखिए इस तरीके से मिक्स। इसमें ऐड करेंगे घर का फिटा हुआ 1 कटोरी दही। इसको भी इसमें इस तरीके से करेंगे मिक्स। इसके बाद इस मिक्सचर में हम अपनी शैलो फ्राई की हुई चाप को इसमें डाल के अच्छे से मैरिनेट करेंगे तब तक कि हमारा मसाला उधर रेडी होगा। देखिए इस तरीके से इसको हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और मसाला के भुनते तक हमें इसको मैरिनेट के लिए छोड़ना है। जब तक चाप हमारी मैरिनेट हो रही है इस तरफ हम ग्रेवी के लिए हम मसाला इसका तैयार करेंगे। उसी फ्राई पैन में हम 3 से 4 चम्मच के करीब डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल के अच्छे से गर्म होते ही देखिए इसमें 1 जाएगी मोटी इलायची, 1 से 2 हरी वाली इलायची, 1 चम्मच के करीब साबुत धनिया जिसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कर लिया था, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया था, इसे डालेंगे।
मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। प्याज के भूनते भूनते इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। इस तरफ हम सूखे मसालों की स्लरी रेडी करेंगे। देखिए, पानी में 1 चम्मच जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। प्याज मसाले के गोल्डन ब्राउन होते ही देखिए इसमें हम स्लरी डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से करेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम। प्याज में सूखे मसाले डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, जब तक कि इसमें से तेल रिलीज नहीं हो जाता। मसाले में से बहुत अच्छे से तेल रिलीज होते ही देखिए यहाँ पर 4 टमाटर की मैंने प्यूरी रेडी करी है, इसको इसमें डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम करके हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले को 5 से 10 मिनट तक के लिए भूनना है। इस मसाले को भूनते समय हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, जब तक कि इसमें से तेल बहुत अच्छे से रिलीज ना हो जाए और इसमें खुशबू ना आने लगे। प्याज टमाटर को भूनते भूनते हमें इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए कवर करके रखना है। इसे 2 हरी मिर्च डालेंगे इसमें स्लिट की हुई। अब इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। ध्यान रखेंगे कि नमक हम पहले थोड़ा सा डाल चुके हैं। इसको भी करेंगे इसमें अच्छे से मिक्स। आपके स्वाद को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए देखिए 1 चम्मच के करीब मैं इसमें टोमेटो केचप डालूंगी। इसको भी करेंगे मसाले में अच्छे से मिक्स। थोड़ी सी डालेंगे इसमें रोस्ट की हुई कसूरी मेथी। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। मसाले के भूनते भूनते देखिए इसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने मैजिक मसाला या ऑल इन वन मसाला डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पनीर मसाला या दाल मखनी मसाला, कोई भी मसाला आपके घर में अवेलेबल है, आप उसको इसमें डाल दीजिए। इसको भी इसमें करेंगे अच्छे से मिक्स। 2 से 3 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डाल के इसको एक बार फिर अच्छे से तरीके से भूनेंगे, ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज टमाटर का मसाला बहुत अच्छे से भून जाने के बाद इसमें अब हम मैरिनेटेड की हुई चाप को डालेंगे। ग्रेवी चाप की रेसिपी थोड़ी सी लेंथी जरूर है, थोड़ा सा इसमें 2-3 स्टेप्स ज़रूर हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक ग्रेवी बनेगी इसकी। देखिए इसको भी हम इस तरीके से करेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे। प्याज टमाटर का मसाला चाप में पूरी तरीके से कोट हो जाए, ये देखिए इस तरीके से। इसी बॉल में थोड़ा सा पानी डाल के देखिए हम मसाले को बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे पानी डाल के, और इसको हम अपने इस तरीके से चाप में डाल देंगे। इसको भी पानी को भी इसमें हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ग्रेवी आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहें तो बहुत थिक ग्रेवी वाला बना लीजिए या बहुत लिक्विड बना लीजिए। पानी की क्वांटिटी हमें उस तरीके से रखनी होती है, ये देखिए। पानी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और गैस की फ्लेम को करेंगे बिल्कुल लो। लगभग 5 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसका ढक्कन उठा के चेक करेंगे। हमारी मसाला सोया चाप बन के बहुत ही डिलीशियस रेडी है, ये देखिए। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व करिए। ऊपर से डालेंगे फ्रेश ताज़ा कटा हुआ धनिया, थोड़ी सी और रोस्टेड कसूरी मेथी। इस यूनिक और डिलीशियस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। डिलीशियस सोया चाप की इस बेहतरीन रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे कुछ डिफरेंट रेसिपीज के साथ, कुछ डिलीशियस टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।